है किसी का डाउट 9.2 से? अनीश का डाउट नहीं है, तनिषा का डाउट नहीं है, अभिनव का डाउट नहीं है। व्हाट अबाउट द अदर पीपल? रौनक की भी डाउट नहीं है, अली का भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो 9.2। अब आगे बढ़ते हैं फिर एक्सरसाइज 9.3 पे। बताइए 9.3 से कोई डाउट है? ओके, 9.3 में समीर को क्वेश्चन नंबर 5 का डी में प्रॉब्लम है। 5 का डी, ठीक है। ओके समीर, सबसे पहले आप एक चीज बताओ, जब मैं आपको बोलता हूं सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, व्हाट डू वी मीन? सर सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। Subtracting second from first, right? So it is what? When I say subtract, subtract A from B, so we mean B minus A, right? Yes, sir. Right? We mean B minus A. So similarly, यहाँ पे mute कर लो अभी खुद को, आवाज आ रहा है थोड़ा सा। तो similarly यहाँ पे this entire thing I can say that this is let's say A, और मान लो X है ये, and this entire thing let's say this is y, ठीक है? तो basically they have given us subtract x from y, that will be equal to y minus x. And now before doing the calculations, we need to make sure that they are in the simplified form. तो पहले यहाँ पे हमको simplification मतलब थोड़ा multiply वगैरह कर लेना होगा। तो जैसे अगर आप यहाँ multiply करते हो, तो we will have थ्री ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आई विल राइट थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी प्लस थ्री ए सी, उसके आगे माइनस टू ए बी प्लस टू बी स्क्वायर माइनस टू बी सी, ठीक है? तो ये मेरा पहला वाला जो पूरा एक्स वाला था, ठीक है, और वाई वाला पार्ट, y वाला पार्ट क्या है? 4 माइनस 4 ए सी प्लस 4 बी सी प्लस 4 सी स्क्वायर, राइट? तो हमको ये जो नीचे जो लिखा हुआ है दिस माइनस ऊपर वाला पार्ट करना है, ठीक है, दिस माइनस ऊपर वाला पार्ट करना है। So I can say that this entire thing तो इसको मान लेते हैं हम लोग x और इस पूरे को मान लेते हैं हम लोग y। तो अब मेरे को क्या परफॉर्म करना है? मुझे परफॉर्म करना है x माइनस y, ठीक है, x माइनस y। तो x को तो ऐसे ही लिख देते हैं माइनस 4 ए सी प्लस 4 बी सी प्लस 4 सी स्क्वायर और फिर माइनस करेंगे। अब ये पूरा चीज माइनस के अंदर। अच्छा देखो समीर, मैं एक ही बार में करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है कि ये पूरा ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या रहेगा? अगर प्लस साइन है तो माइनस के साथ वो माइनस हो जाएगा, और अगर सर सब अपोजिट हो जाता है साइन अपोजिट हो जाएगा, राइट? तो अभी देखो सबसे पहले है 3 ए स्क्वायर, उसके आगे प्लस साइन है, तो माइनस ए माइनस 3 ए स्क्वायर हो जाएगा। अगले वाले के आगे माइनस 3 ए बी हो जाएगा, उसके आगे माइनस 3 ए सी हो जाएगा, फिर उसके नीचे प्लस 2 ए बी हो जाएगा, उसके बाद माइनस 2 बी स्क्वायर हो जाएगा, एंड लास्टली प्लस 2 बी सी हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखो क्या कुछ लाइक टर्म्स आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आप ये देखो, ये बी सी जो है और यहाँ पे लास्ट में बी सी है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? लाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली इनको देखो, ये ए सी और ये ए सी, ये हमारे लाइक टर्म्स हो गए। इसके अलावा और कोई लाइक टर्म्स दिख रहा है क्या आपको? बताइए समीर, कोई लाइक टर्म्स दिख रहे हैं? लाइक टर्म्स? नो सर। लाइक टर्म्स क्या होते थे बताओ एक बार?
Like terms means all the variables are equal. Same variables and also the same power on the variables, right? Yes, sir. तो अब देखो AB वाला पार्ट देखो ना यहाँ पे AB है यहाँ पे और कोई AB नहीं दिख रहा आपको Yes, sir, 2AB. 2AB, right? तो ये हमारा और ये भी क्या हो जाएंगे हमारे like terms हो जाएंगे ठीक है अब क्या क्या बच गया ये c square वाला term बच गया c square कहीं भी नहीं present है यहाँ a square वाला term बच गया वो भी कहीं present नहीं है और नीचे b square वाला term है वो भी कहीं present नहीं तो जो भी like terms हमारे बनने वाले थे वो हमने बना दिए ठीक है तो अब हमको simplification करना है so this is equal to पहले square वाले में एक साथ लिख देता हूँ तो सबसे पहले ऊपर क्या है 4c square वो ऐसे ही आ जाएगा फिर है माइनस 3a square और उसके बाद है प्लस सॉरी माइनस 2b square अब यहाँ पे समीर माइनस 3ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा माइनस ab राइट सिमिलरली माइनस 4ac माइनस 3ac कितना हो जाएगा माइनस 7ac एंड फिर यहाँ पे प्लस 4bc प्लस 2bc कितना हो जाएगा ये प्लस 6 टाइम्स ऑफ bc तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है दिस विल बी माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट क्लियर ठीक है या कोई डाउट वगैरह हो रहा है बताओ ओके तो यहां से हो गए सबके डाउट्स खत्म नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज 9.4 तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ अगर 9.4 में आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो से समीर को कोई डाउट नहीं है बाकी सब रौनक डाउट कैसे पूछोगे फिर तनिषा को कोई डाउट नहीं है वेरी गुड अनीश अभिनव आदित्य अली अब्बास कर्तव्य कोई डाउट नहीं है किसी को बहुत अच्छा वेरी गुड गाइस ठीक है फिर इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स So in that case, we can start with the next topic, which is identity. Okay, Kartavya. Recording approved for what? Okay. So now, what is an identity? अच्छा गाइस आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या चैट में यस और नो बताओ डू यू नो व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a square plus 2ab plus b square exactly it is a square plus 2ab plus b square ठीक है तो क्या कहते हैं अच्छा इसको identity बोलते हैं पता है क्या आप सबको this is called as an identity formula तो याद है basically formula जो हम कहते हैं ना formula and identity are synonymous okay formula and identity are synonymous in most of the cases what is identity to aap dekho ki is identity ke left hand side mein hamare paas variables hai a and b we have an algebraic expression left hand side mein bhi hamare paas ek algebraic expression hai right hand side mein bhi hamare paas ek algebraic expression hai
ठीक है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं, अगर ये जैसे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो, एक मिनट, लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई द एलएचएस, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी डन मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ बाइनोमियल विद अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल, राइट। दो बाइनोमियल्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन आपने परफॉर्म किया हुआ है। तो एक बार इसको अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हमने क्या सीखा हुआ है कि वी विल टेक द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट बाइनोमियल एंड वी विल मल्टीप्लाई द सेकेंड बाइनोमियल विद इट। फिर आएगा दूसरा टर्म, पहला बाइनोमियल का दूसरा टर्म है यहाँ पे प्लस बी, प्लस बी अब फिर से किसको किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड बाइनोमियल के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ जब हम एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं तो वी गेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर तो यहाँ ऐसे ही आ जाएगा और प्लस बी स्क्वायर भी यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे और इसके जैसे लाइक टर्म्स नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट जो बीच के दो टर्म्स है ए बी एंड बी ए, दे आर लाइक टर्म्स, राइट, दे आर लाइक टर्म्स बिकॉज वी हैव द सेम वेरिएबल्स एंड ऑल्सो वी हैव द सेम पावर ऑन द वेरिएबल्स। तो ए बी प्लस ए बी ही बना टू ए बी, दिस इज योर आर एच एस। तो आइडेंटिटी का सिंपल सा मतलब होता है एन एक्सप्रेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, इट्स एन एक्सप्रेशन which is true, an expression which is true for all value of the variables, ठीक है। मतलब कि यहां पे अगर आप चाहते हो तो आप a का कुछ भी value रख सकते हो, b का कुछ भी value रख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से जो आपको वैल्यू निकल कर आएगा ना उसका आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन से जो वैल्यू आएगा वो दोनों के दोनों सेम आएंगे, ठीक है, दोनों के दोनों सेम आएंगे। जैसे कि मान लो आप रख रहे हो ए का वैल्यू 5 एंड बी का वैल्यू -10, ठीक है, ए का वैल्यू 5 रख रहे हो, बी का वैल्यू -10 रख रहे हो, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन था वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो मैंने क्या बोला, a के जगह पे आपको 5 रखना है और b के जगह पे आपको 10 रखना है, तो प्लस बी था, प्लस ऑफ माइनस 10 आपका अल्टीमेटली -10 ही हो जाना था, ठीक है। तो वी हैव 5 -10 का होल स्क्वायर, तो 5 -10 विल बिकम -5, तो यू हैव -5 का होल स्क्वायर विच इज 25। अब चलो हम आर एच एस से कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या वही आ रहा है कि नहीं। तो आर एच एस है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब a का वैल्यू कितना है 5, 2ab कैलकुलेट करेंगे तो प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 5 इंटू बी का वैल्यू -10 एंड देन वी हैव अ प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर b का वैल्यू रखा और उसका स्क्वायर, ठीक है। नाउ 5 स्क्वायर इज 25, यहां पे 25 द 10, 10 इनटू -10 विल गिव यू -100 एंड देन वी हैव अ -10 का होल स्क्वायर व्हिच विल गिव यू +100, तो यहां पे -100 और +100 विल गेट कैंसिल्ड एंड यू विल बी लेफ्ट विद 25, ठीक है, यू विल बी लेफ्ट विद 25। तो हमने क्या किया, वी जस्ट टुक टू रैंडम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ए एंड बी, लेफ्ट हैंड साइड अलग से कैलकुलेट किया, राइट हैंड साइड अलग से कैलकुलेट किया एंड वी फाउंड दैट दिस कम्स आउट टू बी ट्रू, और होना ही है यार, प्रूफ था ये, ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको वो ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है वहां पे प्रूफ करके दिखाया। तो व्हाट इज एन आइडेंटिटी, इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। तो इससे फायदा क्या होता है कि मान लो आपको कोई लेट्स से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना था, और अगर आप a प्लस बी करते हो तो मान लो इंडिविजुअली a का वैल्यू है 10 और b का वैल्यू है 12, अब आपको a प्लस बी हो गया 22, अगर आपको 22 का स्क्वायर डायरेक्टली नहीं पता तो आप ये यूज कर सकते हो, राइट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करके भी आप उसका कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अलॉन्ग विद दैट सिर्फ आपको स्क्वायर्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए नहीं काम आता है,
बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं फैक्टराइजेशन के, जहाँ पे हम फैक्टर्स कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, वहां पे ये फिर से बहुत हेल्प करता है. ठीक है, सो आई होप द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटीज इज नाउ क्लियर. ठीक है, देखो ये आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे इन्होंने सिंपल कोई एक्सप्रेशन लिया था a plus 1 into a plus 2, a plus 1 into a plus 2 is equal to a square plus 3a plus 2. यहाँ पे फिर इन्होंने a का वैल्यू 10 रख के लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट किया. या यू कैन यूज इट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर्स. ओके, हाँ तो आई वाज सेइंग कि ये देखो a plus 1 into a plus 2 is equal to a square plus 3a plus 2 हुआ. यहाँ पे इन्होंने a का वैल्यू 10 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट किया, दैट केम आउट टू बी 132. फिर इन्होंने राइट हैंड साइड कैलकुलेट किया, राइट हैंड साइड बिटवीन a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, यहां पे इन्होंने a की जगह पे 10 रखा, 10 रखने के बाद फिर से वो वैल्यू 132 आया. ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि द वैल्यू ऑफ द टू साइड्स ऑफ द इक्वालिटी, इसका इक्वल, ये इक्वल साइन के दोनों साइड में जो एक्सप्रेशन था वो सेम आ रहा था जब a का वैल्यू 10 रखा गया. सिमिलरली इन्होंने फिर a का वैल्यू -5 रखा, a का वैल्यू -5 रख के भी देखा अरे ये तो -5 रखने पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है. तो फिर यहाँ पे इन्होंने फाइनली लिखा दैट वी शैल फाइंड आउट दैट, आप ऐसे ही अगर रैंडम वैल्यूज रखोगे यहाँ पे तो आपको ये देखने को मिलेगा दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए, ये ऊपर जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में अगर आप ए की जगह पे कुछ भी रखते हो तो वहां LHS एंड RHS दोनों के दोनों इक्वल ही आते हैं. ठीक है, एंड सच एन इक्वालिटी, इस तरीके की इक्वालिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी. तो इस तरीके की इक्वालिटी जो कि हर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के लिए ट्रू होती है, उस तरीके की इक्वालिटी को ही हम आइडेंटिटी बोलते हैं. ठीक है, is this clear or not guys? Just click on yes agar aapko identity ka definition samajh mein aa gaya, jaldi se participants mein jao, yes pe click karo agar identity ka definition aapko samajh mein aa gaya hai. Abhi tak Arya, Ronak, Sameer and Tanisha ne mark kiya hai, Avinam ne mark kiya, Ali ne kar diya, Anshul, आदित्य एंड कर्तव्य, डू यू हैव एनी डाउट्स? इज द टॉप, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ और व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी, क्या ये क्लियर है? आदित्य कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बताओ. नो सर, नहीं प्रॉब्लम सर. नो, अच्छा अच्छा ठीक है. ओके, कर्तव्य, आइडेंटिटी इज नथिंग बट an algebraic expression. You have
गाइस थोड़ा सा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी चला गया है. सो आदित्य, मैं कह रहा था कि ये जो टॉपिक, आदित्य आप सो के पढ़ाई कर रहे हो? कैमरा ऑन हो गया आपका, सो के पढ़ाई कर रहे हो आप? एक मिनट मैं कॉल करवाऊंगा, रुको. तो ओके, पढ़ाई करोगे फिर आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा रिपीट करो. ध्यान कहां पे, नींद लग जाएगी वैसे तो. अनिश, वी विल टॉक अबाउट दीज आइडेंटिटीज. ओके आदित्य, आप कहते हैं सो जाओ, वीडियो अपलोड होगी ना तब देख. वी आर मूविंग ऑन टू स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज. उसके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करूंगा, बीच में कर रहा था. ओके, सो ठीक है गाइस, ये देखो ये तीन आइडेंटिटीज है. ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के अंदर मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट आ रहा है. So now in the concept of standard identities, आप identities का definition पता है? Standard identities के topic के अंदर इन्होंने तीन identities लिखी है. इस topic के अंदर इन्होंने mainly आपके NCERT में तीन identities लिखी हुई है. एक हो गया आपका a plus b का whole square, जो आप सबको पता है, which is a square plus 2ab plus b square. Next is a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. एंड द लास्ट वन वी हैव ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. देखो तीनों के तीनों जो है ना, तीनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एक्चुअली में हम दो बाइनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं. पहला वाला आइडेंटिटी तो मैंने पहले स्लाइड में प्रूव करके दिखा दिया. सिमिलरली आप दूसरा वाला आइडेंटिटी और ये जो तीसरा वाला आइडेंटिटी जो मैं अभी लिख रहा हूँ, आप खुद से इन अगले दोनों को भी प्रूफ कर सकते हो. दिस इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स. ओके, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अच्छा, इसके अलावा एक और आइडेंटिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विच इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. ठीक है, यहां पे भी जब आप यहां मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हो दो बाइनोमियल्स का, सो फाइनली यू व्हाट यू गेट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस ए बी. ठीक है, व्हाट यू गेट इज x square plus a plus b into x plus ab. ठीक है, समय यू कैन यूज इट टू फाइंड स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर्स. विल लुक इनटू दोस क्वेश्चंस. ओके, मान लो आपको 95 का स्क्वायर कैलकुलेट करना था. चलो मैं दिखाता हूँ इन सब का फायदा क्या हो सकता था. ये मान लो आपको 94 का स्क्वायर कैलकुलेट करना था. अब 94 का स्क्वायर कैलकुलेट करना डायरेक्टली हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो आप इसमें क्या सोच सकते हो कि 94 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज 90 प्लस 4 का होल स्क्वायर. ठीक है, यू कैन इधर गो फॉर 100 माइनस 6 का होल स्क्वायर और यू कैन गो फॉर 90 प्लस 4 का होल स्क्वायर. अब यहां पे फायदा क्या हुआ, 100 का स्क्वायर कैलकुलेट करना बड़ा इजी है, 6 का स्क्वायर कैलकुलेट करना बड़ा इजी है. सिमिलरली 90 का स्क्वायर हो गया या फिर 4 का स्क्वायर हो गया, ये कैलकुलेट करना बड़ा इजी है. ठीक है समीर, तो अब यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो आइडेंटिटी नंबर 1 में. आप ए की जगह 90, बी की जगह 4 रख के सॉल्व कर लो, या फिर आप आइडेंटिटी नंबर 2 में ये यूज करो, ए की जगह 100 रखो, बी की जगह पे 6 रखो और इसे सॉल्व कर सकते हो.
ठीक है, एंड यू विल सी दैट इट्स इजियर, क्योंकि अगर आप सेकेंड आइडेंटिटी यूज करते हो तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10,000, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, और बीच में 280 वाला जो टर्म है दैट इज 2 इंटू 100 इंटू 6 दैट बिकम्स 1200, ठीक है? Is it clear, Sameer? आगे क्वेश्चंस भी आएंगे वैसे, बट क्या आपका जो क्वेश्चन था वो आंसर हो गया? ऑब्वियसली नॉट. एक छोटी सी यहां तक तो आज सबने देख लिया है, एक छोटा सा क्वेश्चन है समीर का. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. गाइस, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट. व्हाई नो? बिकॉज इफ यू आर सेइंग दैट दिस इज ट्रू, इफ यू आर सेइंग दैट दिस इज ट्रू, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है मतलब कहने के लिए. इसका अगर क्वेश्चन बनेगा ना समीर, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देन फाइंड A and B. Okay? अब देखो समीर यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कट जाएंगे क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड में अगर सेम नंबर या सेम वेरिएबल होता है तो हम उसको कट ऑफ कर सकते हैं. सिमिलरली बी स्क्वायर और यहां से बी स्क्वायर ये भी कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? यू विल बी लेफ्ट विथ 2ab इज इक्वल टू 0. अब 2 तो आपका 0 नहीं हो सकता, तो 2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास बचा ab इज इक्वल टू 0. अब यहाँ ab इज इक्वल टू 0 हुआ, इसमें या तो a 0 होगा. अब अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट a और b, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है समीर, तो वो तभी हो सकता है व्हेन इधर a इज इक्वल टू 0 और B is equal to 0, ठीक है? तो अगर आपका ऊपर वाला आइडेंटिटी को ट्रू होना पड़ेगा तो दोनों में से एक नंबर को 0 होना पड़ेगा, तभी जाकर ये आइडेंटिटी या जो आपने इक्वेशन लिखा है वो होगा, ठीक है? जो आपने इक्वेशन लिखा है दैट विल बी ट्रू ओनली व्हेन इधर A is equal to 0 और B is equal to 0. इफ A एंड B बोथ आर नॉन जीरो, फिर जो आपने लिखा है वो कभी भी ट्रू नहीं होगा, ओके? ठीक है? So guys, mainly what you need to remember is these four identities: identity number 1, identity number 2, identity number 3, and this identity number 4. Please have a look. ऊपर वाला a plus b का whole square है, नीचे वाला a minus b का whole square है, उसके नीचे a plus b into a minus b है, और उसके नीचे हमारे पास x plus a into x plus b है, ठीक है? तो सिर्फ इस चार आइडेंटिटीज के ऊपर ही ना आपका अगला एक्सरसाइज पूरा बेस्ड है कहीं ना कहीं. देखो इन्होंने जो भी अंदर प्रूफ किया है, ये पहला बॉक्स बनाया a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए, फिर दूसरा बॉक्स बनाया a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए, तीसरा बॉक्स है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एंड आपका चौथा आइडेंटिटी चौथा बॉक्स के अंदर x प्लस a इंटू x प्लस b वाला, ठीक है? So, एक काम कीजिए, आप लोगों को छोटा सा होम अभी क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं. समीर का एक और क्वेश्चन है. समीर आप जो कह रहे हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, चेक करो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है. आपने लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज रॉन्ग. एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, सबके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए. a प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
ये स्क्वायर को ना दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो दे राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यू नीड टू नो दैट दिस इज रॉन्ग. ओके, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नेवर ट्रू. व्हाई दिस इज नेवर ट्रू? बिकॉज ऊपर में मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू, चेक करो ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. और आपने जो लिखा हुआ है समीर, उसके राइट हैंड साइड में देखो टू ए बी मिसिंग है. ठीक है, सो व्हाट वी हैव रिटन इज नॉट ट्रू. एंड मोर ओवर दिस विल, जो आपने लिखा हुआ कभी एक आइडेंटिटी नहीं होगा. हाँ, वो एक आइडेंटिटी नहीं होगा, दैट इज सम मेन इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो एवरीवन, यू नीड टू सॉल्व थ्री क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन करना है आपको ये वाला, ये कीजिए. अच्छा, थोड़े और क्वेश्चंस वगैरह भी देता हूँ. चलिए ये चार क्वेश्चंस कीजिए, चारों क्वेश्चंस एक एक आइडेंटिटी पे बेस्ड है. मैंने अभी जस्ट यहाँ पे देखो, ये जो चार आइडेंटिटीज लिखे हैं ना, इन चार आइडेंटिटीज, हर आइडेंटिटी के ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है. हर आइडेंटिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है. आई विल हैव टू राइट इट अगेन. एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला. ठीक है, चलो जल्दी से आप सब इन चार क्वेश्चन को ट्राई करो. यू गाइस विल हैव अराउंड 15 minutes. Okay? 15 minutes for this four questions, it's more than enough. 10 minutes for the questions. Don't try to get all from your notebook. Jo identities hai, bas identify the questions karo. Yahan pe kaun sa identity hai. Okay? Meanwhile, I'll just check the network. आपको प्रॉब्लम जो हो रहा
Okay, so I can see people have started getting the answer. Product calculate करना था रौनक. So now अभिनव आपने फर्स्ट का सेकंड आंसर सही लिखा है. अंशुल एंड अली अब्बास आपने भी सही आंसर लिखा है. वेरी गुड अंशुल. अंशुल आपने बीच में गलत किया है. देखो बीच बीच वाला जो वैल्यू लिखे हो ना वो गलत किए हो. अभिनव सेम. अच्छा नहीं नहीं ठीक है अंशुल ठीक है. अभिनव आपने फिफ्थ कर दिया. मैं फिफ्थ के नीचे की बात कर रहा था बट ठीक है फिफ्थ जी आपने जो किया है वो सही किया है. वेल डन. अनीश ने सही किया है. अंशुल ने सही किया है. अभिनव ने सही किया. So I can see that कौन कौन है जिन्होंने नहीं किया. आदित्य रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो. यू हैव नॉट सर हमको फिर से बताइए सर. क्या फिर से बताइए. लेट के पढ़ाई करोगे ना कुछ नहीं मिलने वाला. वेरी गुड समीर सब सही किए हो. तो समीर रौनक अनीश अली अब्बास अभिनव अंशुल इन लोगों ने रिस्पॉन्स किया है. कर्तव्य का भी रिस्पॉन्स आया है. सो अभी सिर्फ आर्या एंड आदित्य यही दो महान लोग हैं. आर्या का भी रेस्पॉन्स आ गया और आदित्य के अपने बहाने बना रहे हैं सर. आपके लिए थोड़ी रुकूंगा. बाकी लोगों ने बना लिया अब मैं आगे बढ़ूंगा. ओके तो जिन लोगों ने भी सॉल्व किया कहीं पे कोई दिक्कत हुआ है बताओ. कोई प्रॉब्लम हुआ है कहीं पे. किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुई है. अली अब्बास दैट विल बी 36x2 हाँ 36x2. आर्या कोई दिक्कत हुआ है. आइडेंटिफाई कर पाए हो क्या. यस सर. अंशुल अंशुल कर्तव्य अनीश कोई प्रॉब्लम हुआ है सॉल्व करने के टाइम पे. चलो मैं क्विकली एक दो चीजें डिस्कस कर देता हूँ ऐसे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो जो मैंने सबसे पहले दिया था 2y+5 × 2y+5 यहाँ पे दोनों चीजें सेम है. तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए था यहाँ पे कि यार दिस विल बी a+b × a+b दिस विल बी a+b × a+b. और जब आप a+b × a+b अपने माइंड में रख रहे होगे तो a के जगह पे आपको 2y रखना है. हाँ करते हुए बट ऑलमोस्ट एवरीवन कंप्लीटेड इट सो दैट इज व्हाई आई थॉट दैट हो गया सबसे. अच्छा मीन वाइल करते हुए भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो बाकी लोग आप ये करो. तो चैप्टर तो खत्म है राइट. इसी के ऊपर पूरा है. सो
आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू ट्राई आउट दीज क्वेश्चंस. 5 का 5 करना है, 4 का 7 करना है, ठीक है. चलो ये दोनों क्वेश्चंस भी ट्राई कर लो. फोर्थ का लास्ट, फिफ्थ का लास्ट. Okay, very good. I can see Anshul getting the answer. Anshul ka answer aaya hai, Abhinav ka answer aaya hai. Sameer, thodi si galti hui hai pehle wale mein, ek baar check kar lo. Dusri wale mein bhi galti hai, theek hai? Dono mein thodi si galti ho rahi hai, check kijiye. अभिनव गलत है, चेक करो. सॉरी आदित्य, आदित्य चेक करो, गलत है. रौनक सही लिखे हो, वेरी गुड. अंशुल सही है. अभिनव 5 बताता हूँ बस थोड़ी देर, ठीक है. अभिनव हिंट देता हूँ, मल्टीप्लाई करो ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई करो. यूज द आइडेंटिटी, सेम b माइनस इंटू बी प्लस सी, यूज द आइडेंटिटी.
c minus a into c plus a use the identity. Anish, it's correct. Okay. चलो देखो, सबसे पहली चीज, जो लोग भी इनके क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हो, द वेरी फर्स्ट थिंग विच शुड कम इन योर माइंड इज कौन सा आइडेंटिटी हमको यूज करना चाहिए, विच आइडेंटिटी टू यूज. ओके, दिस शुड कम इन योर माइंड. लाइक व्हेन आई गेव यू दिस क्वेश्चन, फोर्थ का सेवन, ये वाला. तो यहां पे क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर में स्क्वायर लगा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर में दो टर्म्स है, दोनों के बीच में माइनस है. तो आपके दिमाग में कौन सा आइडेंटिटी आना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर. आपके माइंड में आना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ व्हाट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो वही चीज यहां पे लिखेंगे, ए के जगह पे है एम स्क्वायर, ए स्क्वायर. ठीक है, ए के जगह पे एम स्क्वायर है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा. देन वी हैव माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी, देन वी हैव अ प्लस बी स्क्वायर. नाउ बी के जगह पे क्या दिख रहा है हमको, एम स्क्वायर एम दिख रहा है, उसके ऊपर स्क्वायर होगा. और फिर लास्ट में जो टर्म लिखा हुआ है 2m क्यूब n स्क्वायर, वो मैंने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया. ठीक है, नाउ m स्क्वायर का पावर 2, इट दैट बिकम्स m टू द पावर 4. देन वी हैव माइनस 2 m स्क्वायर इनटू m. देखो यहाँ पे m स्क्वायर और यहाँ पे m, दोनों का बेस सेम है, तो उसको लिखा और पावर्स को किया ऐड, तो 2 प्लस 1 बन गया 3. एंड देन वी हैव m स्क्वायर है. फिर अगला टर्म है आपका n स्क्वायर m के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो n स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा n पावर 4 m का स्क्वायर. एंड देन लास्टली वी हैव द लास्ट टर्म व्हिच इज 2 m क्यूब n स्क्वायर. तो यहां पे ये और ये कट गया, लाइक टर्म्स माइनस साइन था. तो फाइनली मेरा आंसर क्या बचा, m टू द पावर 4 प्लस n to the power 4 into m ka square. So this becomes my final answer. Ab yahan pe main part kya tha? Okay, Kartavya, great hai. Acha, yahan pe main cheez kya tha ki aapko identify karna tha ki wahan pe a minus b ka whole square lagega. That was more important. Similarly, ye wala dekho, jo niche question hai. Sir, a minus b into a plus b. Simple identity hoti hai na? Batao. सर इक्वेशन चेक करना था. अच्छा, ये चेक करना था. तो कहीं ना कहीं हमको लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलीफाई करके इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड लेकर आना है, ऊपर वाला सिंपलीफिकेशन है. तो हमारा टारगेट होता है सिंपलीफिकेशन में कि हम बड़ा एक्सप्रेशन को छोटा एक्सप्रेशन में लेकर आए. नीचे वाला शो है, प्रूफ करना है कहीं ना कहीं दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो यहां पे जब हम a माइनस b इनटू a प्लस b करेंगे, वो क्या होगा आपका, इट्स अ प्लेन आइडेंटिटी. So we will have a square minus b square. Similarly, b minus c into b plus c. That is again an identity that will give you b square minus c square. Phir uske aage hai c minus a into c plus a. Again an identity, c square minus a square. Right? Yahan pe hum isko aise shuru karte hain. LHS likhte hain. LHS likhne ke baad hum aise shuruaat karte hain. Theek hai? अब यहाँ पे लाइफ टर्म्स देखने को मिल रहा है क्या, तो हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कट जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा. एंड देन वी हैव माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर, ये कट जाएगा. तो फाइनली हमारा सब कुछ कट के क्या बन गया, जीरो. एंड क्या जीरो हमारे आर एच एस में है, यस जीरो हमारे आर एच एस में है, हेंस प्रूफ. ठीक है, हेंस प्रूफ. So that, it was not a difficult question.
भले ही देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे लंबा क्वेश्चन था, लेकिन जब सॉल्व करने की बात आई तो दैट बिकेम द इजीएस्ट क्वेश्चन. बाकी सब में इसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यस सर. ओके, तो अल्टीमेटली दिस एंटायर एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन only four identities. और वो सारे identities ये आपके सामने boxes में बने हुए हैं. a plus b का whole square, a minus b का whole square, a plus b into a minus b and x plus a into x plus b. ठीक है, तो अभी उसके बाद हमने question number 1, 2, 3, 4, 5 सबसे एक ही question solve किया है, बचा 6, 7, 8. तो हमारे पास अभी भी 15 minutes का time है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक question यहाँ से भी थोड़ा करो. तो try out. एक काम कीजिए, 6 का पहला करो, ठीक है, उसके बाद 6 ये करो और ये करो. ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपको मिलेंगे इसके लिए 10-12 मिनट्स, 4 मिनट्स पर क्वेश्चन, 12 मिनट का टाइम दे रहा हूं. हरी अप, ये जल्दी कर लो, इसके बाद क्लास ओवर हो. ओके, जो 297 इंटू 303 है ना, उसमें सोचो मेरा टारगेट क्या. देखो ऊपर लिखी दिया है यूजिंग आइडेंटिटीज इवैल्यूएट, तो आप सबको सोचना है कि हम कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. अंशुल अनम्यूट करो खुद को. यस सर. बताओ कैसे कैलकुलेट किया. बताओ सर, इनटू करके. आपको इनटू करके करने दिया है क्या क्वेश्चन ने, क्या इनटू किया हो ये बताओ सर. 71 इनटू 71. क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है क्वेश्चन में. क्या लिखा है ऊपर, क्या लिखा है क्वेश्चन में. यूजिंग आइडेंटिफाई इक्वेशन. यूजिंग आइडेंटिटीज और इक्वेशन नहीं लिखा, इवैल्यूएट लिखा हुआ है. तो जो चार आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है, इन चार आइडेंटिटीज में से ही कोई एक आइडेंटिटी को यूज करके इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, ना कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन पे. तो आंसर सही है, अप्रोच के लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे और टीचर भी वहां पे नंबर नहीं देगा अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे. ऑब्वियस सी बात है, मैं किसी को भी ये नहीं कहता हूं कि बेटा 71 इनटू 71 करके बताओ. वेरी गुड समीर. कनिष्का, देयर इज स्लाइट इशू, उसमें थोड़ी सी गलती हो रही है आपके इनसे. हाँ, नाउ इट्स करेक्ट. चलो मैं पहला वाला जो है ना 71 का स्क्वायर, वो मैं बताता हूँ. देखो
आपको सीधा 71 का स्क्वायर तो अभी पता नहीं है, राइट? हमको यूज करना आइडेंटिटीज। तो आप क्या कर सकते हो, इधर यू कैन थिंक ऑफ के 71 को हम ऐसे लिख सकते हैं 70 प्लस 1। देखो एक 10 का मल्टीपल के पास ले जाते हैं, तो 10 के मल्टीपल के पास ले जाना, तो हम लोग 70 प्लस 1 कर सकते हैं, राइट? 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंदर देखो 71 ही बन रहा है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 80 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 80 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ज्यादा इजी कौन सा होगा? ऊपर वाला ज्यादा इजी होगा। ऊपर वाले में आपको यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाले में यूज करना पड़ जाता आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है आपको आइडेंटिटीज यूज करने के लिए। अब चलो मान लो कि मैं पहला वाला अप्रोच यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? इट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ व्हाट इज a स्क्वायर? 70 का स्क्वायर, वो हो गया आपका 4900। 2 इंटू 7 इंटू 1 140 हो गया। तो इसके नीचे लिखा हमने 140 और फिर 1 का स्क्वायर जो कि है 1। अब इनको ऐड करना है, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 आ गया 1, 0 प्लस 4 आ गया 4, फिर 9 प्लस 1 हो गया 10, 10 का 0 लिखा कैरी आएगा 1 का, और 4 प्लस 1 हो गया 5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है? तो हमने 71 इंटू 71 नहीं किया, हमने एक आइडेंटिटी यूज किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया, ठीक है? प्रणव सही है। सिमिलरली सेकंड जो क्वेश्चन है आपको 297 इंटू 303, यहाँ पे आप सोचोगे कि क्या हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं? नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो? नहीं। लेकिन ये एक नंबर इंटू दूसरा नंबर है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि या तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगेगा, या फिर x प्लस a इंटू x प्लस b लगेगा, ठीक है? या तो x प्लस a इंटू x प्लस b लगेगा, या फिर a प्लस b इंटू a माइनस b लगेगा, ओके? रौनक हैंड रेस क्यों पूछना है क्या? तो जैसे कि 297 और 303, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज द relation between 297 and 303? They both are equidistant from 300 से equidistant है। ये 300 से 3 ज्यादा है और ये 300 से 3 कम है। 300 से 3 ज्यादा है और ये 300 से 3 कम है। और a plus b into a minus b भी कुछ ना कुछ ऐसा ही रहता है, right? तो यहाँ पे अगर हम a को मानते हैं 300, b को मानते हैं 3, तो फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका? a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे हम उसको क्या लिख सकते थे? 300 माइनस 3 इंटू 300 प्लस 3। और आप देखो 300 माइनस 3 आपका 297, 300 प्लस 3 आपका 303। तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 300 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 जीरो है तो स्क्वायर में 4 जीरो आ जाएंगे, तो यू विल हैव 4 जीरोस, 9 के बाद 4 जीरोस, और 9 माइनस करना है उसमें से, तो 9 माइनस करोगे तो यहाँ पे 10 आएगा, 1 फिर 9 9 9 8, तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा? 89,991। The last part is not that important. It's important whether you were able to identify कि 297 and 303 दोनों ही के बीच में एक नंबर आता है और दोनों उस नंबर से बराबर डिस्टेंस पे हैं। तो अगर आप वो रियलाइज कर लोगे तो फिर आप a plus b into a minus b लगाकर इसको बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। इमेजिन करो इसको अगर आपको एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता, 297 into 303 actual multiplication करना पड़ता तो आपको time ज़्यादा लगता। अभी आपने अगर ये identify कर लिया तो आपका calculation easy हुआ कि नहीं हुआ? बोलो calculation easy हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे?
थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन टाइम कंज्यूमिंग होता है right? तो बहुत आसान और वहां पे yes, sir. Exactly. और टाइम कंज्यूमिंग होता है प्लस मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं. यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपने खुद ही 300 एक ऐसा नंबर चूज किया जिसका स्क्वायर कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है राइट right? चलो नेक्स्ट आपको दिया था 5.1 × 5.2 लेकिन इसका क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन है कि यूजिंग x plus a into x plus b करके आपको ये सॉल्व करने बोला है राइट right? तो x plus a into x plus b राइट right? तो यहां पे दोनों नंबर्स के लिए तो सबसे पहले आपको क्या लेना है. दोनों नंबर्स के लिए आपको एक सेम पॉइंट लेना है. सेम पॉइंट क्या ले सकते हो. यू कैन टेक 5 × 0.1 एग्जैक्टली. सबसे इजीएस्ट रहेगा कि हम उसको 5.5 से ये करें. तो ये मेरा हो जाएगा 5 + 0.1 और ये रहेगा 5 + 0.2. दिस विल बी द इजीएस्ट वन राइट. और यहां अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे x plus a into x plus b वाला तो आप इजिली अब इसको सॉल्व कर सकते हो राइट. x के जगह पे क्या आ गया. x के जगह पे 5 आएगा, a के जगह पे 0.1 आएगा एंड b के जगह पे आपका 0.2 आएगा ठीक है. सो व्हाट इज x plus a into x plus b. देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसी को मैं सीधा अभी यूज कर रहा हूँ. चेंजिंग द कलर अगेन. सो वी हैव x का स्क्वायर विच इज 5 square. देन वी हैव a plus b, so 0.1 + 0.2 × x, and lastly we have a into b, so we have 0.1 × 0.2. ठीक है. तो ऊपर 5 का स्क्वायर 25 हो गया. 0.1 × 0.2 आपका 0.02x हो गया. सॉरी 0.1 + 0.2 आपका 0.3x हो गया एंड 0.1 × 0.2 आपका 0.02 हो जाएगा. ठीक है. इज दिस क्लियर गाइस. ठीक है. अगेन हमको टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी राइट. तो आई थिंक वी कैन एंड द क्लास हियर. रिकॉर्डिंग्स अपलोड करवा दूंगा मैं एंड आप लोगों के लिए. अली आज मैंने पीडीएफ में कुछ ज्यादा लिखा नहीं है. जो भी लिखा है वो मैं डेफिनेटली कर दूंगा बट ज्यादातर मैंने यहां लिखा हुआ है. ठीक है. इनफैक्ट एक ही दो पेज लिखा हुआ है बस यही लिखा और कुछ नहीं है. बाकी जो बुक के ऊपर लिखता हूँ वो सेव नहीं होता है. सो गाइज आई एम एंडिंग द सेशन हियर एंड होमवर्क विल बी एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट. ओके एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट करना. ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं. आपने देखा ही होगा कि सारे आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है. So that will take hardly 1 hour of yours and कल हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे. ठीक है. तो थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं कल की क्लास में. वेलकम. बाय बाय. बाय सर. होमवर्क सबमिट करना है. बाय सर.